आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सिक्किम की तीस्ता नदी में भयानक बाढ़, बादल फटने से मची तबाही। भारतीय सेना के 23 जवान और अधिकारी हुए लापता, इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिक्किम के साउथ लोहनक झील में मंगलवार देर रात बादल फटने से तीस्ता नदी में भयानक उफान आया है। 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठी और ये लहरें किनारों पर तबाही मचाती चली गई। सिक्किम के मंगन, गैंगटोक और प्याक्योंग में तीस्ता के किनारे सड़कें, पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, इस तबाही में भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं, जबकि 2 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। नुकसान इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है, फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ देर रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई। वहीं गुवाहाटी में सेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी की तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इधर बरदांग में बड़ी संख्या में सेना के वाहन खड़े थे, इनमें से कई वाहन बह गए हैं। तेईस जवान और अधिकारियों के लापता होने की सूचना है और जवानों के कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबने की भी खबर है। सेना के लापता चल रहे जवानों की तलाशी का अभियान लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।